तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन आप 9, 10 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ इसमें। बच्चों रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसमें मोर देन 3 साइड्स हो, 3 या मोर देन 3 साइड्स हो, तो रेगुलर पॉलीगन होगा। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, पॉलीगन डेफिनेशन इसकी देखें, आपको 9, 10 में पढ़ चुके हैं, पॉलीगन हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल, जिस पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होगी वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। पॉलीगन हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल वो रेगुलर पॉलीगन होगा। अब देखो बच्चों पॉलीगन के बारे में दो चीजें और बताता हूं आपको, क्या कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, या अपन पॉलीगन की बात करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आपने 9, 10 में सीखा था, एन माइनस टू इंटू 180 होता है। क्या होता है बच्चों, एन माइनस टू इंटू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180, ये आपने 9, 10 में पढ़ा था। सेकेंड अपन चलते हैं बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इन चीजों के अपन के बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि 9, 10 में आप सीख चुके हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन होता है 360 डिग्री। तो ये बच्चों ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखें, साथ साथ बच्चों आप कुछ चीजें और भी ध्यान में रखें, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या, मैं आपको ये कुछ नाम बताना चाहूंगा, जैसे हेक्सागन अगर लिखा हुआ है इसका आप क्या मतलब समझते हैं। हेक्सागन हो गया, मैं आपको कुछ चीजें लिख के देता हूं, ऑक्टागन हो गया, डेकागन हो गया और डोडेकागन हो गया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हेक्सागन में कितनी साइड्स होगी, ऑक्टागन में कितनी होगी, डेकागन में कितनी होगी, डोडेकागन में कितनी होगी। तो बच्चों हेक्सागन में 6 साइड्स होगी, ऑक्टागन में 8 होगी, डेकागन में 10 होगी, डोडेकागन में बच्चों 12 साइड्स होगी। तो ये है साइड्स, तो आपको हेक्सा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, रेगुलर हेक्सागन, तो मतलब उस रेगुलर पॉली रेगुलर हेक्सागन मतलब उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है, 6, रेगुलर ऑक्टागन मीन्स 8, रेगुलर डोडेकागन मीन्स डेकागन मीन्स 10 और रेगुलर डोडेकागन मीन्स 12। तो ये बच्चों कंसेप्ट हुआ, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। तो अब एक सवाल करते हैं इस पे बेस्ड अपन, ठीक है बच्चों, बच्चों एक क्वेश्चन दिया है मैंने, फाइंड टेन थीटा, थीटा इज एक्सटीरियर और ऑब्लिक इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डोडेकागन। ठीक है, टेन थीटा फाइंड आउट करना है, यदि थीटा एक्सटीरियर या फर्स्ट क्वेश्चन हो गया थीटा एक्सटीरियर एंगल ले लो, सेकंड क्वेश्चन में थीटा इंटीरियर एंगल ले लो ऑफ ए रेगुलर डोडेकागन। ठीक है, अगर थीटा एक्स इंटीरियर एंगल है, पहला लेता हूं मैं इंटीरियर, इसमें सॉल्यूशन में फर्स्ट लेते हैं अपन, थीटा इज इंटीरियर, थीटा इंटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, थीटा इंटीरियर एंगल है तो क्या हुआ बच्चों, अपने को दे रखा है क्या, डोडेकागन मतलब साइड्स कितनी हो गई, साइड्स हो गई 12 है। तो बच्चों इसका सम क्या होता है, सम होता है एन माइनस टू इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब मुझे रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होगी, तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एन की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, एन की जगह 12 पुट करोगे, तो अपना 12 माइनस 2 इनटू 180 क्या हो गया, सभी एंगल्स का सम हो गया। अब बच्चों सारे एंगल्स इक्वल है और उनका सम क्या है, ये है, तो उसको 12 से डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। थीटा मिल गया तो देखो ये 10 हो गया, 12 से इसको डिवाइड किया तो 1, ये 5 हो गया, तो ये 150 डिग्री हो गया। तो 10 थीटा क्या होगा, टेन 150 डिग्री, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सपोज ये एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, थीटा इज एक्सटीरियर एंगल, अगर थीटा एक्सटीरियर एंगल होता तो क्या होता बच्चों, थीटा एक्सटीरियर एंगल होता तो बच्चों अपने को पता है सम क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो थीटा क्या होता है बच्चों, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, थीटा इसको डिवाइड करेंगे 360 को 12 से तो क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा बच्चों। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन 30 डिग्री होगा बच्चों, सिंगल एक्सटीरियर एंगल तो टेन 30 डिग्री होगा, टेन 30 मीन्स क्या हो गया, 1/√3 हो गया।
तो इस टाइप में बच्चों आपके पास क्वेश्चंस आए तो इस टाइप में आपको करना है। थैंक यू वेरी मच, अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ।